गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं गौतम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। इस कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश की हालत इस समय अस्त व्यस्त हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था भी गिर चुकी है, तो वही साथ ही साथ देश में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। इसी मौजूदगी में इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम की सेक्टर 15 में, जहां यूनिटेक बिल्डिंग हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस यूनिटेक बिल्डिंग में मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट में कुछ लोग यहां पर कार्यरत थे, जिनको अब कंपनी द्वारा जो है धीरे धीरे कर निकाला जा रहा है। आखिर क्या कुछ वजह है, क्या कुछ कारण है, किस वजह से जो डिपार्टमेंट के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे उनको एक एक कर कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कारण रहे कि कंपनी एक एक कर सभी डिपार्टमेंट के लोगों को कंपनी से बाहर निकाल रही है। जी सर, हम 4 साल से काम कर रहे हैं कंटिन्यू, और कंपनी से काफ़ी शुरू से ही हमें वीकली ऑफ प्रोवाइड नहीं किए गए। 12 घंटे की ड्यूटी ज़बरदस्ती कराई गई, हमने सभी मैनेजमेंट को रिमाइंडर डाला। 2018 में हमने एक लेबर डिपार्टमेंट को चिट्ठी भी डाली है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब फिर हमने लॉकडाउन के दौरान थोड़ा पजल हुए, परेशान हुए, उसके बाद हमने फिर कोशिश की अगर हम मैनेजमेंट को बोलें अगर हमारे लिए वीकली ऑफ लागू कराएं और 12 घंटे ड्यूटी का कंपनसेशन तो दे। 12 घंटे ड्यूटी कंटिन्यू ज़बरदस्ती कराते हैं, उनका कोई वीकली ऑफ बनाया, सैलरी शीट पर 8 घंटे ही मैंशन कराते हैं, वीकली ऑफ शो करते हैं। और आपने डिमांड की तो अब धीरे धीरे लड़कों को निकालना शुरू कर दिया, एक एक करके लड़कों, कभी एक दिन किसी को निकाला, कभी एक दिन, पूरी मैनेजमेंट यहाँ उनसे ऊपर वेंडरों से मिली हुई है, और ऊपर ऐसी कोई पॉलिसी हमें दिखाई भी नहीं गई भाई इस तरह की कोई जॉब रहती है और हमारे को कोई है। और आप धीरे धीरे निकले, इसलिए हम सोच रहे हैं हम लेबर डिपार्टमेंट को सूचित करें और ये लोग हमें धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। अब हमारे पास आजीविका का कोई साधन नहीं रहा। किस डिपार्टमेंट में आप काम करते थे और कितने सालों से काम करते हैं? मैं 4 साल से हूँ यहाँ, करीब करीब जब से बिल्डिंग शुरू हुई अप्रोक्सीमेट मेंटेन प्रोजेक्ट टाइम से, और उसके बाद से ही हम ये डिमांड कर रहे हैं सर हमारी 12 घंटे की ड्यूटी क्यों है, तो उन्होंने बोला कंपनी की पॉलिसी ऐसी है, तो अगर ऐसी पॉलिसी थी तो हमें पहले दिखाया गया हो, हम करते या ना करते वो अलग मैटर हो जाता सर। और 4 साल से हमें यही डिमांड रखी और इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, सैलरी 8 घंटे की प्रोवाइड करते हैं, वीकली ऑफ शो करते हैं। आपको जब कंपनी ने बाहर निकाला, कंपनी ने जब आपको नौकरी से निकाला, तो क्या कुछ उसके पीछे कारण बताया आपको? कारण यही हुआ, पहले इन्होंने 2018 में कंप्लेन की थी, ठीक है, उसके बाद नहीं सुनवाई हुई तो फिर कंप्लेन हम लोगों ने लगाई, इसी वजह से सबको एक एक करके हटाया जा रहा है बिना किसी कारण। नए लड़के भर्ती किए जा रहे हैं और यहाँ पे मीटिंग चल रही है, सारे पुरानों को हटा दिया जाएगा, पुराने लोगों की लिस्ट मांगी गई हमारे मैनेजर साहब मिस्टर पुरुषोत्तम जी। आपको कब निकाला, आप जब आए तो आपको क्या लगा कि आप कल वापस जब नौकरी पे आएंगे तो क्या आपको नौकरी से निकाला जाएगा, ये सोचा था? ऐसा हमें कभी नहीं फील हुआ था, ठीक है, मेरे को रात भर परेशान किया गया, मेरी नाइट शिफ्ट थी, ठीक है, सीनियर लोगों ने परेशान किया, सुबह 7 बजे मेरे को ऑफिस में बुला के बोला कल से आपको ड्यूटी आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसी वजह से मना कर दिया। क्या डिपार्टमेंट है आपका? मैं इलेक्ट्रिकल में हूँ, टेक्निकल सुपरवाइज़र। किस तरीके से लोगों का साफ तौर से यही कहना है, इनका कहना है कि हम 4 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे और 12 घंटे की ये शिफ्ट, लगातार 12 घंटे की शिफ्ट करते थे, साथ ही साथ कोई भी वीकली ऑफ इनको नहीं दिया जाता था। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि हमें वीकली ऑफ नहीं दिया जाता था, हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि हमारी शिफ्ट जो है 12 घंटे से करके 8 घंटे की जाए और हमारे को एक वीकली ऑफ भी दिया जाए। इन्होंने 2018 में लेबर डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट करी, लेकिन वहाँ से भी कोई जो है इनको आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके बाद इन्होंने बार बार विरोध जताया कि हमारी शिफ्ट को 8 घंटा किया जाए और हमारे को वीकली ऑफ दिया जाए, जिसके बाद कंपनी धीरे धीरे कर अब वर्करों को बाहर निकाल रही है। कुछ और लोग मौजूद है, उनको भी निकाला है, उनसे जानेंगे कि क्या वजह आपको बताई है निकालने की कंपनी से। सर, वजह यही है कि हम पुराने बंदे हैं, सबकी लिस्ट मांग ली गई है, कोरोना काल में पुलिस के डंडे खा खा के हमने यहाँ पे ड्यूटी करी है, एक एक किलोमीटर आके ड्यूटी करी है हमने, इन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि ड्यूटी करनी ही होगी, कौन संभालेगा सर, हमने ड्यूटी करी। मैं सर लिफ्ट ऑपरेटर हूँ सर। और अब यो कर रहे हैं, पूरे स्टाफ की लिस्ट ले ली गई है और लिस्ट में हर बंदे को, हर रोज एक बंदे को निकाल रहे हैं। हमने मांग करी कि हमारे 12 घंटे की जगह 8 घंटे की ड्यूटी हो, वीकली ऑफ हो, लेकिन 2018 से प्रयास कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किस तरीके से लोग 2000
2018 से लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी शिफ्ट को घटाकर 8 घंटे किया जाए, लेकिन साफ तौर से कंपनी जो है बिल्कुल सुन नहीं रही इनकी और अपनी मनमानी कर रही है, जिसके चलते आज कंपनी सभी वर्करों को जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं धीरे धीरे कर उनको कंपनी से बाहर निकाल रही है। हम कंपनी में चल के कंपनी के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन कारणों के चलते कंपनी जो है इन सभी वर्करों को जो है कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। चलिए कंपनी में चलते हैं और कंपनी से बात करने की हम प्रयास करते हैं। आप किसी बंदे को बाहर बुला लो, आप हम जाके एक बार पूछें। नहीं नहीं सॉरी सर, हमारी ड्यूटी है, सॉरी रिक्वेस्ट है। तो देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने बाहर ही जो है अपनी सिक्योरिटी टाइट करती और सिक्योरिटी को बोल दिया कि किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर आने से रोका जाए। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी भी मीडिया के सामने कुछ बयानबाजी करने से हिचकिचा रही है, डर रही है। किस तरीके से आपने देखा कि तमाम सिक्योरिटी ने यहाँ पे हमारे को रोका और अंदर जाने से मना कर दिया, जिससे साफ यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कंपनी की ही कोई एक बड़ी गलती है, जिसके चलते इन तमाम वर्करों को जो है कंपनी से बाहर निकाला गया। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही समय पर सही लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।